नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिविल अस्पताल में इन दिनों एक्सरे मशीन बंद पड़ी होने के कारण मरीज और परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उपचार कराने पहुंच रहे मरीजों को एक्सरे मशीन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के एक्सरे मशीन में तकनीकी समस्या आने की वजह से विगत दिनों से बंद पड़ी है। मरीज परिजनों का कहना है कि एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, इसलिए प्राइवेट में जाकर अधिक राशि खर्च कर एक्सरे कराना पड़ रहा है। पांडुर्ना में 1994 में तहसील को अनुविभागीय का दर्जा देकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस कार्यालय के लिए ना तो कोई भवन आवंटित किया गया था, ना कर्मचारी स्टाफ। अब जागरूक लोगों ने विधानसभा में प्रश्न उठाकर शासन का इस ओर ध्यान आकर्षण कराया है, जिसके बाद 31 जुलाई 2018 को इस कार्यालय के लिए 12 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन तब से लेकर अब तक आदेश होने के बावजूद इन पदों पर पदस्थापनाएं अब तक नहीं हो सकी हैं। जुन्नारदेव विकासखंड के मुख्य अधिकारियों के कार्यालय पहुंचने का मार्ग इन दिनों बदहाल स्थिति में है। नगर के प्रमुख कार्यालय, जिनमें जनपद पंचायत, तहसील, एसडीएम कार्यालय, महिला बाल विकास, बीआरसी सहित अन्य कार्यालयों तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क इन दिनों बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।